हेलो दोस्तों, तो आज का थीम है हमारा जन्माष्टमी। ओके, और हम कान्हा जी ड्रॉ करेंगे। और देखो, ड्राइंग तो तुम्हें, जब तुम ड्राइंग करोगे तो तुम्हें ना बहुत ज़्यादा इजी, मतलब इजी वे में बनाना है। जस्ट आउटलाइन आउटलाइन बनाओ बस। ओके, ज़्यादा मतलब इस पर बहुत ज़्यादा ड्राइंग के वक्त डिटेलिंग मत करो, ठीक है? वो क्योंकि हम पेंटिंग के, मतलब जब हम पेंट करते हैं ना, तो पेंटिंग के साथ ही करते हैं हम डिटेलिंग वगैरह। बस जैसे देखो, मैं बस सिंपल सिंपल आउटलाइन वगैरह दे रहा हूँ, तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो बस हल्का हल्का रखना है हमें थोड़ा पेंसिल, और बिल्कुल बस आउटलाइन आउटलाइन करो। अब देखो, मैंने आउटलाइन कर दिया लगभग, और फिर उसके बाद अब मैं सीधा कलर स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो जो मेन मेन चीज़ें मैं ड्राइंग करके बना रहा हूँ, वो चीज़ देख लो और तुम मेरे साथ बनाओ वो चीज़। और देखो, हम कृष्ण जी जो बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल हम रियलिस्टिक कृष्ण जी नहीं बनाएंगे, जैसे मतलब हमारा फेस होता है उस टाइप से नहीं बनाएंगे हम थोड़ा फोक आर्ट टाइप में बनाएंगे। ओके, तो मेरे साथ साथ करो बस तुम। अब देखो, अब मैं कलरिंग पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब कर दिया मैंने। तो देखो, कलरिंग पार्ट में ना हम पर्शियन ब्लू, स्काई ब्लू और वाइट, इन तीनों का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो मैं कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ। जैसे देखो, मैं पैचेस मार के, थोड़ा सा पैचेस पैचेस डाल के फिर कर रहा हूँ कलर, ठीक है? तो तुम्हें ना बिल्कुल वैसे ही करना है। जैसे देखो, मैंने सबसे पहले करा तुम्हारा पर्शियन ब्लू, ठीक है? उसके बाद फिर पैच मारते हुए नीचे की ओर आया मैं स्काई ब्लू से, फिर वाइट से, बिल्कुल इनके फॉरहेड के जो नाक वाला एरिया होता है उसके जस्ट ऊपर वाला, वहाँ पर, मतलब आईब्रो के ऊपर मैं बिल्कुल वाइट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और पैचेस मारने तुम्हें, और कलर थोड़ा सा पैची, मतलब पैची होना चाहिए तुम्हारा, टेक्स्चर वाला होना चाहिए, पर थोड़ा सा मिक्स भी होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्सचर नहीं आना चाहिए। ओके, अब देखो, अब ये बिल्कुल प्लेन रखना है तुम्हें, तो इसके लिए तुम्हें ब्रश ना बहुत लंबा लंबा चलाना है, ऊपर नीचे देखो मैं कितना लंबा लंबा ब्रश चला रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे ऐसे करना है। देखो, मैं जो यहाँ पे ब्लू यूज़ कर रहा हूँ ना, ये असल में पर्शियन ब्लू नहीं है, ये अल्ट्रा मैरिन ब्लू है। ओके, पर तुम्हें ना वहाँ पे पर्शियन ब्लू यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास ये कलर था नहीं, इस वजह से मैंने यूज़ करा है यहाँ पे। ओके, देखो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे तुम्हारा फॉरहेड का शाइन है ना, जो बीचों बीच मैंने डाल रखा है, वो शाइन सेम तुम्हारे नाक पे भी आना चाहिए, मतलब बिल्कुल कलर का टोन ना बराबर होना चाहिए। जितना उसमें वाइट है फॉरहेड पे, उतना ही वाइट तुम्हारे नाक के ऊपर होना चाहिए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। और नाक के आसपास जैसे मैंने डार्क किया है ना, डार्क ब्लू करा है, तुम्हें भी वैसे ही वहाँ पर नाक के आसपास डार्क ब्लू करना है, क्योंकि
क्योंकि नाक की शेडो पड़ रही होगी यहाँ पे, और हम फोक आर्ट कर रहे हैं तो फोक आर्ट में ये चीज़ ज़्यादा दिखाना होता है। अब देखो नाक की थोड़ी सी शेडो नीचे भी पड़ रही होगी, है ना, तो इसलिए वहाँ पे भी नेवी ब्लू यूज़ करो। और जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा डार्क देना है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे जैसे नाक का छेद हो गया तुम्हारा, तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा डार्क देना है ना, तो तुम वहाँ पे ब्लैक और नेवी ब्लू को मिक्स कर लो, या पर्शियन ब्लू को मिक्स कर लो और फिर करो। ओके, अब देखो अब मैं आई बना रहा हूँ, तो तुम ध्यान से देखते चलो मैं कैसे कहाँ पे कौन कौन से कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, और साथ के साथ मेरे करने की कोशिश करो। ओके, तो बैकग्राउंड के लिए ब्रश चेंज कर लो पहले, ठीक है, फ्लैट ब्रश ले लो बिल्कुल, और फिर ना उसके बाद तुम फ्लैट ब्रश से येलो और मतलब थोड़ा सा ब्लू मिक्स होना चाहिए येलो में, ग्रीनिश लुक, हल्का सा ग्रीनिश लुक आना चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद जैसे मैंने करा बिल्कुल तुम्हें वैसे करना है, सीधी सीधी लाइन दो और फिर उसमें वाइट मिक्स कर दो, बिल्कुल कान्हा जी के साइड में जो है वहाँ पर वाइट मिक्स कर दो। देखो लीफ ऊपर जो बना रहा हूँ मैं, ये तुम्हें ना देख के ही आएगा। ओके, तो तुम ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं ग्रीन में सैप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सैप ग्रीन और हल्का टोन डालने के लिए येलो मिक्स करा सैप ग्रीन में। ओके, और तुम ध्यान से देखो मैं कैसे शेडिंग दे रहा हूँ इसमें, और वैसे करने की कोशिश करो। ओके,
देखो मैं मोर का पंख बनाऊंगा अभी, तो एक बता देता हूँ, दूसरा तुम खुद बनाना, ठीक है? तो ये ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो, मैंने हल्का सा पर्शियन ब्लू कर दिया, अब उसके ऊपर स्काई ब्लू से आउटलाइन कर रहा हूँ हल्का हल्का, है ना? और फिर उसके बाद देखो, वाइट से हल्का सा और लाइट करना है तुम्हें इसको। उसके बाद फिर ब्राउन से ऐसे ऐसे लाइन्स डालो, ये बहुत ज़रूरी होती है ये लाइन्स, ओके? और फिर उसके बाद ब्राउन के ऊपर जस्ट येलो से बस ऊपर ऊपर वाले साइड लाइन लाइन डालो, फिर उसके बाद वाइट से लाइन डाल दो, और उसके बाद फिर सैप ग्रीन से डालो, ठीक है? तो मतलब ऐसे ऐसे लाइंस ऊपर की ओर बढ़ाने हैं तुम्हें, और फिर बाद में लास्ट में येलो से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे लाइंस डालो, तो तुम्हारा ये चीज़ बन जाएगा। देखो जब तुम रोज़ बनाओ तो अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ ना करते हुए इसमें ब्लैक पहले सबसे पहले कर दो, और उसमें रेड मिक्स करो, और थोड़ा थोड़ा ना जैसे राउंड नहीं देते, सी सी बनाते रहो। सी बनाओ, एक सी, दो सी, तीन सी, कभी उल्टे में कभी सीधे में, ऐसे ऐसे सी बनाओ, और फिर उसके बाद एकदम एंड में वाइट कर दो, तो तुम्हारा रोज़ बन जाएगा। तो देखो रोज़ कितना आसान है ना, तो तुम ऐसे बना देना रोज़, ओके? और फिर देखो ये जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ब्लैक कलर यहाँ पे करा, अब इस ब्लैक के ऊपर ही मैं बांसुरी बनाऊंगा, जो इनका बांसुरी होता है ना वो बनाऊंगा ब्लैक के ऊपर ही, और आगे जो मतलब मेन बांसुरी है वो उसमें जैसे मैं शेडिंग करूंगा वो चीज़ देखो। तो मतलब ब्राउन और पहले वाइट मिक्स करूंगा, और उसके बाद उस पर थोड़ी सी शेडिंग दूंगा ब्लैक से, तो तुम देखो ध्यान से तुम्हें समझ आ जाएगी। और देखो मैंने हल्का सा ब्राउन के नीचे ना हल्की सी लाइन छोड़ रखी है, तो वो चीज़ छोड़नी, वो लाइन छोड़नी ज़रूरी होती है, उससे ना 3D इफ़ेक्ट आता है, तो तुम्हें वो चीज़ छोड़ना है, ओके? और फिर देखो अब जैसे मैंने कहा था ब्लैक के ऊपर बांसुरी बनाऊंगा ब्लैक की यूज़ से ही, तो देखो जैसे मैंने पहले आउटलाइन सी कर दी, उसके बाद हल्का हल्का ब्राउन से कर दिया, और जो ब्लैक था उसे मैंने शेडो की तरह यूज़ कर लिया। तो ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, ओके? अब फिर देखो बांसुरी की परछाई उनके थोड़े से गाल पे आ रही होगी ना, मतलब चिन पे, तो वो वाली परछाई भी तुम्हें दिखानी है, मतलब हल्का सा नेवी ब्लू कर दो बस वहाँ पे। तो बस यार पेंटिंग में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, शेडो का, लाइट का। जैसे देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट किया, यहाँ पे ज़्यादा लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा मतलब लाइट कर दिया वाइट मिक्स करके, और उसके बाद जैसे बांसुरी पे हल्का सा इनका डिज़ाइन सा होता है तो वो दे दो, ओके? देखो यार ये वाली वीडियो हो गई हमारी कंप्लीट, और मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, और मतलब असल में तो देखो बहुत ज़्यादा ही लंबी बनी थी ये वीडियो, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने एडिट कर करके इस वीडियो को छोटा करा ताकि तुम्हें ना डिटेलिंग में मतलब थोड़ा समझ आए, इस वजह से वीडियो हल्की सी लंबी रखी है मैंने, ओके? तो
तुम लाइक सब्सक्राइब वगैरह वगैरह खुद ही कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय।